और उस कुर्ब की बात सिर्फ एक करके मैं करना चाहता हूं कि कितना बारगाह सिद्दीकी में कुर्ब है। एक वक्त यहां आया था, बड़ी फतवाबाजी हुई थी, आप खुश, आप इस बात पर नाज करें क्योंकि हमारा वक्त वो वक्त है, बहुत सारे पीर वन साइडेड है। वन साइडेड समझ गए, हजरत अल्लामा जानते वन साइडेड, या सहाबा इकराम की मोहब्बत में जाएंगे तो अहले बैत से यद भी कर जाते हैं और कुछ अहले बैत की मोहब्बत में दम भरते हैं तो सहाबा की तोहिन कर जाते हैं। ऐसे वक्त में अल्लाह करीम ने हुजूर शेखुल आलम की वजूद की सूरत में हमें ऐसा मुर्शिद दिया जो हमें किसी साइड एक साइड पे होने नहीं दिया, बल्कि यह अकीदा दिया है कि मुस्तफा करीम की बारगाह में जो जो निस्बतें मिलती जाए वो सब इस लायक इनको इंतराम किया। हुजूर शेखुल आलम यही तो पैगाम देते रहे, दस दस रोजा प्रोग्राम चल रहा है, दूर टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं, बुला रहे हैं, यही तो फिक्र दी है। तो ये बात सिर्फ आखिरी उमरा पे तशरीफ ले गए, बहुत सारी जमात यहां से ले गई, यहां के मुफ्तियान कराम भी साथ थे। छतरियों पर हमारे जाने से पहले तीन दिन बंदा आके लोगों से पूछता रहा, लोगों शेख अलाउद्दीन बरतानिया से उसने आना था, वो आया है कि नहीं? लोगों ने कहा कि अभी तक तो नहीं आए। कुछ लोग वाकई थे जिन्हें पता था कि आप तशरीफ ला रहे हैं, तो किसी ने उसको कहा कि कल वो तशरीफ ला रहे हैं, वो फिर आया लेकिन आप उस दिन तशरीफ नहीं ले गए वहां पर। तीसरे दिन जब वो आया उस दिन मैं भी साथ था, अल्लाह गरी के रहमत करे मुफ्ती मदनी साहब वो भी मौजूद, और वो शख्स हाथ में कुरान लेके पूछ रहा था लोगों से, जैसे ही उसने पूछा तो किसी ने इशारा किया वो सामने तशरीफ फरमाया, वो बिल्कुल पास आया, आके उसने हाथ में उसके कुरान था, उसने कहा आप ही हैं, कहने लगा मेरा आपसे कोई तारुफ नहीं है, मुझे झूठ मारने की जरूरत भी नहीं है, मैं इतने दिन पहले मुझे ख्वाब में सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ियारत की, उन्होंने फरमाया मेरा खास गुलाम बरतानिया से आ रहा है, अलाउद्दीन सिद्दीकी उसका नाम है, सिलसिला उसका नक्शबंदी है कश्मीर का रहने वाला लेकिन बरतानिया से आ रहा है, उसे जाकर मिलना भी है और उसे अपने घर दावत भी देनी है, हुजूर मेरी दावत भी कबूल फरमाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, दो बंदे हजरत साहब ने साथ रखे उसकी दावत पे, उसमें एक ये गुनाहगार भी मौजूद था, मुर्शिद पाक वहां ले गए, उसने अपनी क्या क्या बातें सुनाई वो भी नहीं बताऊंगा, एक जुमला उसने जब अपनी कुछ बातें सुना रहा था और हजरत साहब की आंखें पूर्णम थी, उसने मेरी तरफ मुंह करके कहा बच्चे ये तेरा मुर्शिद मुझसे कही आ गया है, सिर्फ जिसने अपने आप को छुपा के रखा।